अभी ओवरऑल नेवल मंडी की कंडीशन है, क्योंकि कल तक यहाँ बारिश हुई है। ये देखें कुछ लोग भी गुजर रहे हैं नेवल मंडी से। सामने एक बाड़ा है, कुछ ऐसे बाड़े आपको नज़र आएंगे जहाँ पर माल खड़े हुए हैं। तरह से एक ट्रॉलर भी भाई फंस चुका है बुरी तरह से, और क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे भाई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर आज मैं आ चुका हूँ नेवल मंडी। बहुत सी फरमाइश आ रही थी कि नेवल मंडी नेवल मंडी नेवल मंडी, तो ये दिखाए अगर नेवल मंडी, तो मैं आ गया हूँ पीछे वाले गेट से। इस बार सफ़र मैं शुरू करूँगा, पहला एपिसोड जो है वो ओवरऑल नेवल मंडी आपको दिखाऊँगा कि इस वक्त नेवल मंडी की कंडीशन कैसी है, कितने जानवर आए हुए हैं। क्योंकि जमील मेमन सोसाइटी मैंने विज़िट किया था, और नेवल मंडी एक ऐसी मंडी है जो बहुत सारे लोगों को जिसका नहीं पता है, कराची के बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता है कि नेवल मंडी असल में लगती कहाँ पर है। तो इसके लिए मैंने नेवल मंडी का जो कंप्लीट रास्ते की वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की है, आई एम शाह, जो मेरे दूसरे चैनल का नाम है, आप वो भी विज़िट करें। तो अभी चलते हैं, ओवरऑल नेवल मंडी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ नेवल मंडी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में नेवल मंडी के जानवरों के रेट्स होंगे। तो अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए तो चलो फिर। हाँ भाई, नेवल मंडी का सफ़र शुरू हो गया। इस तरफ भाई कुछ बकरे खड़े हुए हैं, और इस तरफ भी कुछ बकरे खड़े हुए हैं। वापसी में आते हैं, वापसी में आकर आपसे बात करते हैं। तो व्यापारी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं नेवल मंडी के, ये हमें बुलाते हैं। फ़िलहाल बहुत लोग जो कह रहे थे कि नेवल मंडी के जानवर दिखाओ, वो तो इंशाल्लाह मैं आपको एपिसोड वाइज दिखाता हूँ। ये अभी ओवरऑल नेवल मंडी की कंडीशन है, क्योंकि कल तक यहाँ बारिश हुई है, और बारिश के बाद कंडीशन आप देख रहे हैं नेवल मंडी की। तो आई होप कि आपको आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और देखें यार, इतनी मेहनत होती है मंडी दिखाने में, और ये देखें कुछ लोग भी गुज़र रहे हैं नेवल मंडी से, क्योंकि यहाँ पर रिहाइश भी, अगर इस तरफ जो होते हैं वो सस्ते जानवर होते हैं, लेकिन बरसात की वजह से यहाँ पर पानी खड़ा है। और यहाँ से ये पूरा जो है, ये पूरी मंडी, ये ओवरऑल इधर भी दिखाई जाए, ये सब भर जाता है। लेकिन इस वक्त अभी माल है नहीं जिस तरह का माल होना चाहिए। तो ये आपके सामने है, फ़िलहाल कुछ ऐसे बाड़े आपको नज़र आएंगे। ये आपके सामने एक बाड़ा है, कुछ ऐसे बाड़े आपको नज़र आएंगे जहाँ पर माल खड़े हुए हैं। और अभी तो रेट जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बकरीद में काफ़ी टाइम है। इस तरफ भाई कुछ कट्टू गायें जो शादी ब्याह में लोग ज़बह करते हैं, क्योंकि नेवल मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पर कट्टू जानवर आपको मिल जाते हैं। इस तरफ भी देखें भाई कुछ गायें खड़ी हैं, कुछ बछड़े भी, आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। और फ़िलहाल रोडों का जो हाल है वो काफ़ी बुरा हुआ हुआ है। ये देखें इस तरह से एक ट्रॉलर भी भाई फंस चुका है बुरी तरह से। और ओवरऑल देखें अभी तक फ़िलहाल कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। और इस तरफ जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, ये ट्रॉलर जो है भाई निकल गया, लेकिन हम जो है आगे जाएंगे और आगे चलता हूँ। ये टफ रास्ता हमें भी पार करना है, अब देखता हूँ किस तरह पार करता हूँ। जब पार कर लूँगा आपको ज्वाइन करता हूँ। जी भाई, रास्ता हमने ढूँढ लिया आगे जाने का, और फ़िलहाल तो कोई ख़ास माल नहीं है, क्योंकि उस तरफ रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो हमने ये रास्ता पकड़ा है आगे जाने के लिए, तो चेक करते हैं भाई आगे जाने का रास्ता। ये भी देखें इस तरफ भी भाई कुछ कट्टू जानवर हैं। तो अभी तो क्योंकि यहाँ पे बरसात भी हुई है, कल भी बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, और ये एक रास्ता तो मिला है आगे जाने का। आई होप के दलदल ना हो, दलदल नहीं है बेटा, उस तरफ भी दिखाओ। ये देखें भाई इस तरफ भी कुछ माल नहीं है, और इस तरफ भी अभी कोई ख़ास माल नहीं है, लोग जो है सेट कर रहे हैं। इस तरफ कुछ देखिए गायें खड़ी हैं, कट्टू गायें, कट्टू बछड़े खड़े हैं। फ़िलहाल आगे जाने का जो रास्ता है वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा,
और इस तरफ जो है अभी रोड्स की जो कंडीशन है ये आपके सामने है। थोड़ा सा शयान आपको आगे जाकर दिखाएगा रोड। जी भाई, ये अभी फ़िलहाल करंट कंडीशन है रोडों का, ये हाल है अभी नेवल मंडी का। आप देखें तो अभी तो आना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, और अभी मैं आपको कहूँगा कि 10% माल यहाँ पर नहीं है। तो फ़िलहाल ये कंडीशन है अभी नेवल मंडी की, आप देखें रोडों का हाल ये है। और ये आप देखें कुछ जानवर खड़े हुए हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको घुमा कर दिखा रहा है सारी चीज़ें। तो देखें क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे भाई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आगे चलता हूँ भाई फिलहाल। जी भाई, ये देखें आप इस वक्त करंट सिचुएशन नेवल मंडी के लिए, कुछ बाड़े भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, और तैयारी तो है क्योंकि तकरीबन अभी 1.5 से 2 महीने है। इस तरफ देखें भाई, कुछ लोग मजदूर डे पर भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आप लोग यार, मजदूर डे पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, हकीकत है, हकीकत है, गरीब आदमी के लिए मजदूर डे, गरीबों के लिए थोड़ी है। अमीरों के मजदूरों के लिए मजदूर डे है ना, अमीरों के लिए मजदूर डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इधर क्या तैयारी, बाड़े की तैयारी हो रही है सीजन के लिए? ये कमरा बना रहे बाड़े में। सही सही। अब कितना टाइम रह गया है बकरीद में? बकरीद में 2 महीने 2 महीने है ना अभी। सही है। तो इस तरह से भाई माल आएगा अभी कुछ टाइम बाद ही, और अभी आप लोग बिल्कुल भी ना आए नेवल मंडी क्योंकि अभी तैयारी चल रही है। कुछ ख़ास माल आपको मतलब जो स्पेशल माल होते हैं नेवल मंडी के, वो अभी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें भाई ओवरऑल कंडीशन अभी फ़िलहाल। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और आई होप आपको ओवरऑल कंडीशन आपको समझ आई होगी फ़िलहाल नेवल मंडी की। तो नेवल मंडी में मैं मौजूद था, आपको ओवरऑल कंडीशन दिखाया, और इंशाल्लाह बैक टू बैक एपिसोड्स शाह टाइम्स पर आते रहेंगे। और जो मेरा दूसरा चैनल है आई एम शाह, उसको भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि उस पर मैंने प्रॉपर नेवल मंडी का एड्रेस समझाया है, उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो उसको यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए लोगों के साथ। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।